Assalamualaikum guys, welcome to the another vlog. आज हम जा रहे हैं एपिसोड कैफ़े जो कि एबटाबाद में रिसेंटली खुला है और जहां मैंने उसके बारे में बहुत से रिव्यू लोगों से सुने हैं कि बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं लोग इसके बारे में. आज हम भी उधर जाएंगे और वहां का मेन्यू चेक करेंगे और वहां का इन्वायरमेंट चेक करेंगे. उसके बाद हम आपको उसका रिव्यू देंगे. और मेरे साथ मेरे दो कज़न हैं और एक दोस्त है, इंशाल्लाह उनसे भी आपको भी मिलवाऊंगा. और फिर जाके हम उधर जाके हम लोग फास्ट फूड वगैरह खाएंगे और इन्जॉय करेंगे. आप भी हमारे साथ आइए, हम आपको भी इन्जॉय कराएंगे. सी यू, बाय बाय. हाँ जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे दोनों कज़न आ चुके हैं, एक अब्दुल्ला और दूसरा हाशिर. और अब हम तीसरा, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके घर के बाहर खड़े हैं हम लोग. जब तक वो आता है उसके बाद हम आप उसके उससे मिलाएंगे. और ये हमारे दोस्त आ चुके हैं, इन्होंने हमें बहुत लेट कराया है, इनकी वजह से हम लोग आधा घंटा इनके घर के बाहर खड़े रहे हैं और इनके काम देखे. हाँ जी, ये आ चुके हैं माविया भाई भी और हम सब रेडी हो चुके हैं. अब हम जा रहे हैं कैफ़े और उधर जाके हम आपको बकाया सीन बताएंगे कैसा है सीन. तो फाइनली गाइज, हम लोग एपिसोड कैफ़े में पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही आपको ये इंटरेस्ट नज़र आएगी यहाँ से. और फिर उसके बाद आगे जाएं तो प्यार नहीं चाय चाहिए. फिर उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में अमेजिंग आर्ट्स, बहुत प्यारी आर्ट की हुई है. और आगे चलते जाएं तो कभी आओ एपिसोड पे. और उसके बाद आगे जाएं तो आते रहे जिन कडा, ये हिनको का एक मशहूर मुहावरा है. उसके बाद भावनाओं को समझो और उससे आगे जाते जाओ तो कभी परेशान हो रहे हो और उसके आगे जाते जाओ तो दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ चाय. तो गाइज, अभी हम आ गए हैं, अपने सबसे पहले कज़न से रिव्यू लेते हैं, उसके बाद दूसरे कज़न से लेंगे और उसके बाद अपने दोस्त से सबसे आखिर में रिव्यू लेंगे कि उसको कैसा लगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं. उससे बाद सबसे आखिर में उससे पता करेंगे. सबसे पहले अपने कज़न से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा. हाँ अब्दुल्ला, आपको इधर आके किधर कैसा लगा? और आशिर, आपको कैसा लगा? बहुत मज़े की जगह है जी. और आप बताएं माविया भाई, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं बस अल्फाज में बयान नहीं कर सकते. तो आपने इनके ओपिनियन सुन लिए होंगे, अब हम ऑर्डर करेंगे. ऑर्डर के बाद आएगा, उसके बाद हम आपको फूड क्वालिटी का बताएंगे, फूड हमें कैसा लगा, और इनसे दोबारा रिव्यू लेंगे जब तक आप ये सिनेमेटिक शॉट चेक करें. तो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ सारी इलाके में लाइट चली गई थी, इसकी वजह से हम ज़्यादा उधर नहीं बैठ सके क्योंकि वहाँ जनरेटर नहीं था जिसके, और हमें फिर उधर की लाइटनिंग आपको नज़र ना आती इस वजह से. और खाने का रिव्यू करने लगे थे हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई और उसकी वजह से हमें आना पड़ा. तो खाना बहुत ही टेस्टी था और बकाया जो बीफ था बहुत ही क्लासिक था. चाय भी हमने पी, बहुत प्यारी चाय थी. और अब हम अपने घर की. तो गाइस, अभी हम लोग बाज़ार में थे तो मेरे दोनों कज़न घूम चुके हैं, मैं और माविया उनको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो किधर चले गए. और पता नहीं, बोल रहे थे स्टेशनरी का, लेकिन किसी स्टेशनरी में नहीं, हम लोगों ने सारी स्टेशनरियाँ चेक की हैं और बाज़ार के बीच बाज़ार के दरमियान वो घूम चुके हैं. तो हम लोग काफ़ी देर से उनको ढूंढ रहे थे और फाइनली पता लगा तुम लोग किधर घूम गए थे. हम लोगों ने सारी स्टेशनरियाँ ढूंढी है, तुम लोग घूम गए थे. और ये भी काफ़ी देर से हम लोग इनको ढूंढ रहे थे कि स्टेशनरी लेने गए हैं. असल में स्टेशनरी तो अभी ले रहे हैं, बट इससे पहले पता नहीं किधर गए हुए थे. दोनों बरताती हैं, दोनों को पकड़ के बंदा इनको पकड़ के लेके जाए. जी, अब मेरा दोस्त रोटी लेने आ गए और इसको ब्रेड चाहिए थी और साथ ही साथ कुछ और इसने बेकरी प्रोडक्ट लेना था. और कज़न मेरे भाई किधर घूम रहे हैं, जब तक हमने सोचा हम ताकि बेकरी से प्रोडक्ट ले आए और अब ब्रेड भी ले ले.
तो छोटी प्लेट भी दूसरी मीठी मीठी फीकी दे दे। ये ब्रेड भी आ गई। अब हम जाते हैं काउंटर पे और उनको पे करते हैं। ये इनको कुछ चीज़ें लेनी थी, ये अपने दोस्त के पास आए। बिलावल शर्मा रहे क्यों? और वो शर्मा चुके हैं और इनसे हम चीज़ें लेंगे। तो हमारे बालाकोटी भाई हैं और ये बालाकोट के हैं। स्पेशल लव फ्रॉम फॉर बालाकोट। बाकी ये स्वाद देना फ्रॉम माय साइड फ्रॉम अब्दुल्ला स्पेशली। और इसके बाद हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। जब घर पहुंचेंगे फिर आपको बताया जो बात होगी। और ये मेरा कज़न जाता हुए, एक कज़न घर जाते हुए, और हमें रोना आ रहा है ना करना। और मिलते फिर भाई दफा हो जाए, मेरे रोने वाले आंसू आ रहे हैं। भाई ब्रो ब्रो टिश्यू ले लो, टिश्यू ब्रो टिश्यू ले। जाओ भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जाओ 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 जल्दी करो, चले जाओ, दफा हो जाओ। ये माविया अपने कुत्ते के साथ पंच। ये हमारा पंच, बस काफी है। और ये पंच का मालिक माविया। अब आप दफा हो जाए यहाँ से, आपका बहुत आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अरे पंच जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपके आने की। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और मैं और मेरा कज़न घर आ चुके थे। और यहीं हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।